नुमान। विनिश का अगला शौहर? अभी तक वो तुम्हारे निकाह में है, उसके बावजूद उसने दोबारा रिश्ता भी ढूंढ लिया और दूसरा शौहर भी देख लिया। तुम मुझे अभी बता दो, अगर तुम्हें आगे चल के सवाल जवाब करने ना तो मैं अपना मकसद अकेले ही हासिल कर लूंगा और तुम सारी जिंदगी अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करते रहना। वो मक्कारी कर रही है, ये जो सब कुछ कर रही है ना, ये किसी ना किसी प्लान का हिस्सा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं आज ही इसे घर से चलता करूंगा। लेकिन मामा, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो आप पे जान छिड़कते थे। मगर अब ऐसा नहीं, मेरी हर बात उन्हें अब जहर लगती है। आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। फजूल बातें बंद करो, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने का मकसद बताओ। मेरे ख्याल से अपने घर में आने की कोई वजह नहीं होती। अपना घर? कौन सा अपना घर, जिसे तुम 5 साल पहले ठुकरा कर चली गई थी? हाँ तो मैं क्या ना करती, जाना ही तो था मुझे। तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त जो नहीं हो रहा था। तो अब क्यों आई हो यहाँ? अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे, ना मैं अपनी जगह छोड़कर जाती और ना ही कोई उस जगह पे काबिज होता। तुम भूल रही हो, वो जगह तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम ये रिश्ता तोड़ कर गई थी। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, एक शख्स से तलाक लेकर फिर उससे रिश्ता जोड़ने चली आई हो। मैंने तुमसे तलाक नहीं ली। हाँ तुमसे कहा था मैंने कि मुझे तलाक दे दो, मगर तुमने नहीं दी थी और मैं गुस्से में यहां से चली गई थी। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे मनाकर वापस ले आते? होश में रहकर बात करो नताशा, ये तलाक का मसला है, दीन का मामला है ये। तुमने मुझसे तलाक ली है, इसका सबूत है मेरे पास। वैसे तो मैंने तुमसे तलाक ली नहीं है। हाँ अगर तुमने कोई झूठे सबूत बना कर रखे हैं तो दिखाओ मुझे। खुद गर्ज और एहसान फरामोश तो थी ही तुम, लेकिन तुम इतनी घटिया निकलोगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अभी तो तुमने मेरा घटियापन देखा नहीं है। उठ गई? जी मम्मी। कैसी तबीयत है? अब तो काफी बेहतर है, कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का। और मैं इतनी देर सो गई, आपने मुझे उठाया भी नहीं, क्यों? इसलिए नहीं उठाया कि तुम अपनी नींद पूरी कर लो। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। जी मम्मी कहिए। मैं जो कुछ भी बात तुमसे करूंगी तुम यकीन कर लोगी, झूठा तो नहीं समझोगी? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने आपको सिर्फ जबान से मम्मी नहीं कहा बल्कि दिल से अपनी माँ मानती हूँ। तुम्हें पता है ना, आज से 5 साल पहले समीर की पहली बीवी नताशा से तलाक हो गई थी, उसने खुद अदालत से खुला ली थी। जी मुझे आपने ही बताया था। मगर आज सुबह वो यहाँ आ गई है और कहती मैंने तलाक नहीं ली, अब वो यहीं रहेगी। क्या? हाँ घर में बहुत परेशानी चल रही है, समीर भी दफ्तर नहीं गया। मगर जब उसने तलाक ले ली है तो फिर झूठ क्यों बोल रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा। मगर समीर ने अपने वकील से रब्ता किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है, फिर इसका सारा झूठ खुल जाएगा। मगर अभी तो वो बड़ी ढिटाई से हर चीज पर अपना हक साबित करने की कोशिश कर रही है। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे सही हो। घर के अंदर दाखिल होते ही 50% कामयाबी तो हो गई मुझे। वो कैसे? वैसे
कि घर में आते ना ही मुझे कोई रोक सका और ना ही यहाँ रहने से। और समीर वो तो हक्का बक्का देखता रहा मुझे, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी वापस भी आऊंगी। और वो मोमना वो कहाँ थी? मैडम के दीदार अभी तक हुए नहीं मुझे, घर का जायजा लेकर आ रही हूँ अभी अभी। समीर का रूम लॉक्ड है, हो सकता है वो सो रही है अभी तक। हैरत है वैसे, वो तो बहुत सुबह उठने की आदी है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वो अब एक करोड़पति ताजर की बीवी है। वैसे तुम कहती तो ठीक हो। खैर तुम मायूस मत हो, मैं बहुत जल्द घर के अंदर और वो बाहर। बाहर आकर तो उसे तुम्हारा ही होना है। क्या वाकई वो मेरी हो सकती है? वो तुम्हारी ही है नौफिल, इस बात का यकीन रखो। बस इंतजार करो उस दिन का जब वो तुम्हारे पास आकर अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। अगर ऐसा हो गया ना नताशा, तो यकीन करो मुझे दुनिया की तमाम खुशियां मिल जाएंगी। वैसे मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था, लेकिन तुमने एक बार फिर मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। नताशा जो कहती है ना वो करके दिखाती है। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नायला परेशान हो क्या? वो मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम चुप बैठी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई होगी। मैं क्यों होने लगी परेशान? सारा की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ आज बहुत देर कर दी। भाभी काफी दिनों से छुट्टियां कर रहा हूँ मैं, ऑफिस का काम बढ़ गया था तो नुमान की वजह से उस केस का काम है वो भी मेरे जिम्मे आ गया। नुमान की तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसे साथ ले जाया करो। नहीं एक दो दिन रेस्ट आउट कर ले फिर उसके बाद ले जाऊं उसे साथ में। भूख लगी थी, खाना खिलवा दे। हाँ जरूर। नहला तुम्हारी वासिफ से लड़ाई हुई है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके साथ ताल्लुकात तो बेहतर हो गए ना। ऐसी भी क्या बेमुरव्वती के किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। तुम्हें आखिर ये बात क्यों समझ में नहीं आती? इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, बेहतर होगा शराफत से तुम इस घर से चली जाओ। ये घर मेरा है, मैं क्यों जाऊं यहां से? बड़ी झीट और बेशरम लड़की हो तुम। मैं जो भी हूं आपकी बहू। मेरी बहू मेरे सामने बैठी हुई है। जब तक मैं समीर की बीवी हूं आपकी बहू हूं, आप मानेंगे नहीं माने। तुम अपनी बकवास बंद करती हो या क्या धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दोगे? मगर अफसोस वो तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं या नहीं। सबूत है मेरे पास, बस मेरा वकील आ जाए तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल बाहर करूंगा। मुझे पता है ना ही तो कोई वकील आएगा और ना ही कागजात मिलेंगे। क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा।
पता नहीं क्या बात हुई है, वासिफ बहुत बुरी तरह से नाराज है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने उसे कभी भी नायला से इस तरह नाराज होते नहीं देखा। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। तो अम्मी आप चाची जान से पूछ लेते ना। पूछा था, वो तो उल्टा मुझसे ही खफा हो गई। आपको तो पता ही अम्मी चाची जान का मिजाज कैसा है। जब से अम्मा का इंतकाल हुआ है ना, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है इस घर के हर फर्द पे अपनी नजर रखूं, उसके मसाइल हल करने की कोशिश करूं। छोड़े अम्मी, आपको इस घर में कौन बड़ा समझता है। समझे या ना समझे, अम्मा ने ये घर मेरे नाम करके अनजाने में एक जिम्मेदारी सौंप दी है मुझ पर। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मॉर्निंग। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? मैंने तुम्हें विश किया और तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे आपकी विश की कोई जरूरत नहीं है। मगर मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं किसी को विश करूं और वह जवाब ना दे, मुझे इंसल्ट फील होता है। तुम मिडिल क्लास लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। बड़े घर में शादी करके तो चली जाती हो, लेकिन अपने आप को इनसिक्योर फील करती हो। एक्सक्यूज मी, मैं मिडिल क्लास हूं या अपर क्लास, मगर इनसिक्योर नहीं हूं, क्योंकि ना ही मैं यहां भाग कर आई हूं और ना ही मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। भाग कर तो नहीं आई, मगर जबरदस्ती जरूर हुई है, तुम्हारे साथ नहीं समीर के साथ, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। इसीलिए उसने मुझे अभी तक तलाक नहीं दी। चाहे वो लाख कहता रहे कि उसने मुझे तलाक दे दी, लेकिन हकीकत यही है कि मैं अभी भी उसकी बीवी हूँ और वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम तो किसी मजबूरी के तहत आई हो समीर की जिंदगी में। जैसे ही मजबूरी खत्म, तुम उसकी जिंदगी से आउट, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ जाओ और इस घर से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इसको तो तुमने सारी झूठी दास्तान सुना दी, अब जरा मेरे सामने भी पेश करो अपनी और समीर की मोहब्बत की दास्तान। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप बीच में मत पड़े। मेरे घर में खड़ी हो और मुझे ही मना कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि ये घर और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मेरे शौहर की तरफ से। समीर का इसमें कुछ नहीं है। तुम जो अपना घर कहकर बेशर्मों की तरह मेरे घर में घुस आई हो ना, मैं चाहूं ना तुम्हें एक मिनट में धक्के मार के इस घर से निकाल दूं। मगर मैं मोमना को तुम्हारी सच्ची हकीकत बताना चाहती, तुम्हारी औकात बताना चाहती हूँ, ताकि मोमना और समीर के दरमियान कोई गलतफहमी ना हो। आपको जो करना है कर ले। समीर मेरा शौहर है और मुझे उससे अपना हक लेना है। मेरा किसी और से कोई वास्ता नहीं है। समीर सिर्फ मोमना का शौहर है और ये शादी उसने अपनी पसंद से की है, और तुम इस गलत फहमी से निकल आओ तो अच्छा है। खुश फहमियों में कौन है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेटा, इसकी घटिया हरकतों को नजरअंदाज करो, ये सर से पैर तक झूठी है। समीर आज सारे पेपर्स लेकर आ जाएगा ना, तो इसका तमाशा भी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बच्ची, तुम किसी बात की फिक्र ना करो। नायला, नायला, तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। हाँ? लॉकर की चाबी चाहिए मुझे। तो ये बात आराम से भी की जा सकती थी।
आराम से किस तरह बात करूं तुमसे? कब से आवाज दे रहा था तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि तुम किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। जब आपकी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मुझे तो किसी और ही दुनिया में पहुंचना होगा ना। जगह तो थी, मगर अब पता चला कि तुमने बहुत मजबूरी में वो जगह ली थी। हाँ, मुझ में तो बहुत ऐब थे ना, जो कहीं और जगह ना मिलती इसलिए मजबूरी में यहां जगह लेनी पड़ी। ऐब तुम्हारे अंदर कोई नहीं था, दरअसल वो ठुकराए जाने का गम था, और उस हम को भुलाने के लिए तुमने मेरा सहारा लिया। पता नहीं ना, मुझे अफसोस इस बात का कि मैं कभी भी तुम्हारे दिल में नहीं था, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से कोई और था। बस कर दे वासे, बस। सारी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजार दी, हर दुख सुख में आपका साथ दिया, और आप कहते हैं कि मेरे दिल में कोई और था। अगर मेरे दिल में कोई और होता ना तो आप एक मिनट के लिए मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं नायला को उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला करने के लिए आज तक कोई मजबूर नहीं कर सका। अगर आपका दिल मुझसे भर गया तो आप मुझे बता दे, मैं एक लम्हा भी यहां नहीं रुकूंगी। मगर खुदा रहा, जवान औलाद के सामने तमाशा मत बनाइए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नताशा से पूछता हूं क्या हुआ। वो तो आज का कह रही थी कि काम हो जाएगा। क्या वाकई इतना आसान है जितना नताशा कह रही थी? क्या सच में मोमी मेरी हो सकती है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फोन नहीं करना, फिर क्यों किया फोन? सॉरी यार, मैं भूल गया था। ये क्यों नहीं कहते कि बेताबी इतनी ज्यादा थी कि सब्र नहीं हुआ? बेताबी से ज्यादा बेयकीनी है। ठीक है, जब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी फिर तो यकीन आ जाएगा ना। वो दिन आए तो सही, वैसे तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस सारे ड्रामे में मेरा किरदार क्या होगा। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी एंट्री होने वाली है। मगर मुझे करना क्या होगा? बता दूंगी, थोड़ा तो इंतजार करो। बस ये समझो कि मंजिल के बहुत करीब है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। हेलो, मामा। हुँ? क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हैं। कोई बात हुई है? कोई बात नहीं, बस जरा तबीयत सुस्त है। बाबा से लड़ाई हुई है? लड़ाई क्या होनी है, बस बात बात पर बहस करते हैं। मामा मुझे समझ नहीं आ रहा, बाबा में इतना चेंज सिर्फ ताईजान के कहने से कैसे आ सकता है? ताईजान तो काफी अरसे से इस घर में रह रही है, फिर वो ऐसा क्यों करेंगी? बस बेटा अल्लाह ही जानता है। वैसे मुझे एक बात का शुबा है। क्या? एक दिन मैं और बेनिश बातें कर रहे थे तो अचानक तुम्हारे बाबा आ गए। कैसी बातें? बस ऐसे ही शोहरों के रवैयों के बारे में आम सी बातें थी। फिर उसने तुम्हारे बाबा का नाम लिया था कि वो तो बहुत सख्त मिजाज हैं। आपने कैसे गुजारा किया उनके साथ? तो आपने ऐसी वैसी कोई बात कही थी? नहीं, मुझे ठीक तरह से तो याद नहीं, मगर शायद मुंह से ऐसी कोई बात निकल गई हो। जरूर मामा, ऐसी ही कोई बात हुई होगी जो बाबा को बुरी लगी होगी।
और ये बिनिश भाभी भी ना बहुत फसादी थी। फितना कहो फितना। खैर मामा, आप जो भी हुआ आप बाबा से माफी मांग लें, उनका दिल साफ हो जाएगा। अच्छा चलें, अब अपना मुंह ठीक करें। और असल में तलाक तो उसकी तरफ से थी, और मेरे पास तो कोई पेपर्स भी नहीं है जो वकील के पास है। पेपर्स तो होने चाहिए थे ना तुम्हारे पास। ये मेरी कुताही है मामी, मुझे उससे पेपर्स ले लेने चाहिए थे। वो क्या है कि मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि समीर तो कह रहा था कि उसने तुमसे शादी किसी मजबूरी के तहत की थी। पहले तो मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता था, अब तो मुझे तुमसे घिन आ रही है। तुम गिलाजत का ऐसा ढेर बन चुकी हो जिसके सामने से कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता। अब चलो निकलो यहां से।